सकती हैं बनारस के एक थाने में, है ना? क्या मतलब बिहार में भी ये सारी चीजें हो सकती थी? ये इलाका ठीक नहीं है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण नाविक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार आप लोगों को एक नई से नई अपडेट दिखाने की कोशिश करता हूं और इस वक्त मौजूद हैं हम बनारस में। दोस्तों, बनारस यूं ही नहीं कहा जाता है, गलियों का शहर बनारस और महादेव की नगरी वाराणसी में है। और ऐसे में आपको बता दें कि आज हम जिसका इंटरव्यू करने वाले हैं, शायद उनको आप अपने एकाध बार उनको देखे होंगे। हमारे साथ बिहार से कहा जाए कि एक लव मैरिज कपल है मेरे साथ, स्वाति जी और पीयूष जी। आप देख सकते हैं कैमरा में, मैं तस्वीरें दिखा सकता हूं। और ये लोग क्या कंडीशन हुई, कैसे इस स्टेज तक गुजरना हुआ, थोड़ा से हम आप लोगों को एक संदेश कहा जाए या कुछ इन लोगों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ में। थैंक यू। तो क्या लग रहा है, तबीयत खराब है क्या आपकी? नहीं, वो नहीं, थोड़ा नींद पूरा नहीं हुआ, वीडियो के वजह से जगना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ब्लॉग के वजह से, ब्लॉग बनाना है तो घूमना पड़ता है। तो स्वाति जी, अच्छा आप ये बताइए कि आपने पहले तो शादी की और उसके बाद अब आप YouTube पर आ गई हैं, आगे का क्या विचार है? जिस लाइन में है उस लाइन में काम करना है। जिस लाइन में है मतलब YouTube पर ही रहना है। हाँ। आपकी बहुत सारी वीडियो वायरल होती है, आप थाने में जाती हैं, गरीबों की मिठाई बांटती हैं और लोगों की बड़ी सहायता करती हैं, तो ये सब कैसे मन में विचार आ रहा है? उधर आप अपने मम्मी पापा को छोड़कर आ गई हैं वाराणसी महादेव की नगरी में, तो मतलब ये सब आगे चल के क्या करना है आपको? हम बस ये चाहते हैं कि हम पैसा इतना कमाएं कि लोग का मदद कर सकें। जो हम कदम उठाए से मेरा नाम खराब हुआ है तो उसको तो हम दोबारा बना नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं अपना नाम फिर बनाने का। तो ये मदद के जरिए हम अपना नाम थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा स्वाति जी, आप एक सवाल और बताइए कि क्या आपने अपने घर वालों से परमिशन लेने की कोशिश की थी? आप समझाने बुझाने का प्रयास किया था मम्मी पापा का कि हम अपना शादी लव मैरिज करने जा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का आपने सोचा था कि नहीं? हम घर में सबको बताए थे कि हम शादी करना चाहते हैं। तो घर वाले क्या बोल रहे थे आप? नहीं हो सकता। तो इंटरकास्ट है ना आप लोगों का? हाँ। आपका पूरा नाम बताइए। स्वाति कुमारी। स्वाति कुमारी। भैया आपका? पीयूष कुमार पटेल। पटेल, अच्छा। तो इसीलिए शादी में दिक्कत आ रही थी। तो पटेल जी, आप बताइए, आज के जो नवयुवक हैं, बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत तमाम प्रकार का मसला होता है, तो क्या आपने मतलब कैसे आपने विचार करके और इनको लेके आने का प्रयास किया? हम एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, बात 2016 की है, 16 नवंबर से ये सब शुरू हुआ है और फाइनली समझ लीजिए कि 2022 में हम लोगों ने थाने में शादी किया। 6 साल इसके पीछे हम लोगों बहुत सारी परेशानी आई है और 6 साल के बाद हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लिए। स्वाति जी, आप बिहार की रहने वाली है लेकिन शादी आप करती हैं बनारस के एक थाने में, है ना? क्या मतलब बिहार में भी ये सारी चीज़ें हो सकती थी?